हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉर्मल रिया के नॉर्मल एडवेंचर्स। सो दिस इज़ द आउटफिट आई एम वेयरिंग टुडे। दीज आर वाइट बेसिक पैंट्स विद दिस वेरी प्रिटी मस्टर्ड क्रॉप टॉप। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, आई एम गोइंग टू मानेसा शॉर्ट वर्क ट्रिप, एक्साइटेड फॉर दैट। और मैं सुबह साढ़े चार बजे उठी हूँ और इट इज़ 5:45 राइट नाउ एंड आई एम रेडी एंटायरली। और मुझे बाहर निकलना है, पापा ड्यूक को वॉक कराने गए हैं और वहाँ से लॉक करके चले गए हैं। अब मैं पापा के आने का वेट कर रही हूँ, कब पापा आएंगे और फिर मैं निकलूँगी। सो या दैट इज़ इट एंड आई एम लिल हंग्री, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना ईट क्योंकि बहुत सुबह है। आई थिंक ब्रेड और जैम या फिर कुछ ऐसे ब्रेड बटर जैम, दो आई एम लविंग माई आउटफिट। और ये पीछे गुड्डू सो रही है। I see you guys. मैं जाती हूँ बाहर। Bye. Eating this apple. And here's my kiwi pie. चला गया। Hi Sona. Hi Nitisha. So we are having our breakfast here. हम सान्या का वेट कर रहे हैं। सान्या इज अनदर गर्ल जो हमारे साथ जाएगी इस वर्क ट्रिप पे एंड वी मैं यूट्यूब पे होऊंगा। हाँ, यूट्यूब पे आओगे। 1470 लोग आपको देखेंगे। 1470 लोग लुक एट हर ड्रेस, ओ माय गॉड शी इज लुकिंग सो प्रिटी। और मुझे देख लो, मैं सोई सूजी आंखों के साथ आ गई। बाय। We have reached here and this is the location. So this is the pretty location and the property. This is so green. ये गुड़गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, गुड़गांव के बहुत ही ज़्यादा पास है। और हम ऐसे घूम रहे हैं एंड इस प्रॉपर्टी में है पूल। दिस इज़ अ वेरी प्री पूल। तो बस अभी अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और नितिश जी और सान्या कैमरास वगैरह लेने गए हैं क्योंकि वो लोग प्रॉपर शूट करेंगे। उसके बाद मैं ज़्यादा ये रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे काम रिकॉर्ड करना है। आना है क्या? ओके, सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी। दिस इज़ द प्रॉपर्टी जिसके शूट के लिए हम आए हैं। दिस इज़ वेरी प्रिटी एंड थोड़ा सा ऊपर जाके है उधर, बट या बाहर पूल साइड है और बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड आई एम सुपर टायर्ड एंड हंग्री एंड स्लीपी एंड एवरीथिंग। वी गाइस आर सुपर टायर्ड और मेरे को इतनी क्लिप्स ले लेके मेरे फ़ोन की पूरी स्पेस ख़त्म हो गया है। और तो मैं ब्लॉग नहीं बना रही आज के लिए काफ़ी। यार मेरे ऑफिस का काम पता है, नहीं ऑफिस का पता है, मेरे जगह ही नहीं बची है ब्लॉग की, इतना काम कर लिया मैंने। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ स्केरी हो, मेरे को यहाँ पे कुछ दिखा, यहाँ पे मुझे लग रहा है इसमें मेंढक होंगे। इससे किससे? अरे उससे डर लग रहा है, मुझे तो लग रहा है, मेरे को मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी लग रही हो। अब कौन है मेरी बेस्ट फ्रेंड सोच लो। बाहर अभी फोटोशूट चल रहा है, सो बाहर भी फोटोशूट चल रहा है तो उन्होंने हमको बोला है कि अंदर बैठो। और मुझे गर्मी से कुछ हो गया है, सर में दर्द, बट बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ अपने आप को येलो में। मुझे येलो कलर इतना पसंद है तो कोई भी कुछ देख रहा है तो मेरे को येलो चीज़ें गिफ्ट कर सकता है भाई। और मैं इतनी ज़्यादा थक रही हूँ और मुझे कुछ चाहिए ठंडा अच्छा पीने के लिए। तो हम शूट कर करके इतने ज़्यादा परेशान हो गए और मैंने बोला कि हमें उस पर शूट वो शॉट चाहिए एक, तो वो स्टार्ट करके दे रहे फिर मुझे चलाऊंगी एंड मैंने बोला मर्सिडीज़ की भी चाबी दे दो, उन्होंने मना कर रहे हैं। हाँ व्लॉग में इतनी डिटेल्स में बताना पड़ता है ना सोनल। सोनल इज़ ऑल्सो मेकिंग व्लॉग टूडे, सो आई लिंक हर चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू सब्सक्राइब टू हर चैनल टू एंड लुक एट हर ड्रेस। मैं इसको चुरा लूँगी।
सर आपका कैमरा मुझे चाहिए थोड़ी देर के लिए, वीडियो को उसके लिए। हाँ ब्लॉग ऑन है, मैंने दे रखा कैमरा। अच्छा ब्लॉग ऑन के बाद दे दोगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा थकने के बाद और इतनी ज़्यादा भूख के बाद दिस इज़ आर लंच। हमने मैगी बनाने को बोला था एंड दिस इज़ व्हाट दे हैव मेड। मैगी है पर ओवर कुक मैगी है विद लॉट ऑफ प्याज। और आप लोगों को पता है कि आपकी नॉर्मल रिया को प्याज बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं फिर भी खा रही हूँ क्योंकि मेरे पेट में से आवाज़ें आ रही थी ऐसी ऐसी। तो हाँ बस यही है, वी आर सुपर टायर्ड बट बताओ। हाँ वी आर सुपर टायर्ड एंड बस अभी निकल रहे हैं, फिर आप लोगों को निकलते हुए मिलते हैं। टूडल्स बाय प्री प्लेस। वी आर डन विद आवर शूट एंड हेडिंग टूवर्ड्स आवर होम। और मेरी शक्ल ऐसे सड़े हुए आलू की तरह हो गई है पर नो वरीज। अब देखो आप लोग मस्त सन किस देखोगे मेरे को, पर ये सन किस कम ज़्यादा कम हो रहा है, सन बर्न ज़्यादा हो रहा है। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन, इट वॉज अ वेरी गुड प्रोडक्टिव डे। और मैं चाहती हूँ मेरा हर दिन ऐसे ही होना। लुक एट हर, सोनल इज गेटिंग अ फोटो शूट डन एंड वी आर जस्ट अबाउट टू लीव। अरे यार ये ठीक है भैया, अरे ये देख ना, रुक रुक रुक, ये देख इधर था अभी जब। अच्छा हाँ हाँ, उतरे क्या? उड़ जाएगा वो। हाँ वो भी है, बट सुबह जो आवाज़ें आ रही थी वो पिकॉक की थी। हाँ दिस इज पिकॉक, अगर आप लोगों को दिख रहा है ये देख। रीच्ड होम और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ, बट इट वॉज़ अ फन एंड प्रोडक्टिव डे। और घर आते ही मैं निकल रही हूँ क्योंकि आज पलक का बर्थडे है, और पलक आप सब लोग जानते हो कौन है, और बाकी उसको आप लोगों को और मिलवा दूँगी। तो मैं उस इस ब्लॉग को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू रखूँगी एंड आई विल सी यू गाइज व्हेन आई रीच देयर। और बनी ये जा रहा है और मैं इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं है, दाल चावल खा रहा है बस, क्योंकि मेरा काम था, मेरा परिवार सब एक साथ बैठे हुए कितने खूबसूरत लगते हैं। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू आई, क्योंकि तेरा शूट भी था, सो तू आई और मेरे को दिखाई नहीं, बिकॉज मैं अंधी हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं दिखा कि वो तू ही है। और इसकी जॉब लग चुकी है लोकल समोसा, सोशल समोसा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे डियर, देखा पहले मैं खिलाती हूँ थोड़ा सा। हैप्पी बर्थडे पलक।